शीज अमर सर, स्वागत है आपका अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश में। आज जो हिंदी का एग्जाम हुआ है कॉमर्स और साइंस वाले का, उसका मैं आज जे सीरीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, निम्न में से दिखावट शब्द कौन सा समास, कौन सा प्रत्यय है? तो इसका हो जाएगा आपका आवट। क्या हो जाएंगे? आवट हो जाएंगे। तो आवट, आप जो इसमें टिक लगा हुआ उसको नहीं देखना, मैं जो टिक लगा रहा हूँ उसको देखना है। ये हो गया आपका आवट, ठीक है। नंबर दूसरा हो गया आपका कि निम्न में से किस लेखक को कलम का सिपाही कहा गया है? कलम का सिपाही जो है वो प्रेमचंद जी को कहा गया है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं कि लिंग पर आधारित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही है? कलम नई है, कलम टूट गया, कलम नया है। इसमें हो जाएगा आपका कलम नई है, कलम नई है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में जो है संभव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो संभव शब्द का विलोम शब्द होता है असंभव। संभव शब्द का विलोम शब्द असंभव होता है। नंबर पांच, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है कसौनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कसौनी में हुआ था। नेक्स्ट में, निम्न में से अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका हो जाएगा आपका अनु हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में निम्न में से चतुरानंद कौन सा समास है? चतुरानंद जो है ये आपका हो गया बहुव्रीही। क्या हो गया? बहुव्रीही समास है, बहुव्रीही। नेक्स्ट आठ में, निम्न में से कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बढ़िया लिखना। कलम तोड़ना मतलब बढ़िया लिखना। क्वेश्चन नंबर नाइन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में हो गया आपका, निम्न में से महादेवी वर्मा किस कालखंड की कवित्री है? तो आधुनिक काल। क्या होगा? आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन में जो है, क्वेश्चन नंबर टेन में सजीव, सजीव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सजीव का होता है निर्जीव, सजीव का निर्जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन, निम्न में से किस रचनाकार को कथा सम्राट कहा गया है? तो प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आते हैं तो देवे शब्द का सही निषेध क्या है? देव जोर इस, देव जोर इस। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के जनरल में पांच भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के अनुसार तीन भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में चलते हैं तो महादेवी वर्मा का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में कौन सा लिंग पर आधारित कौन सा वाक्य सही है? तो घी महंगा है, घी महंगा है, पुल्लिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं तो त्रिभुज कौन सा समास है? तो त्रिभुज जो है वो आपका द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु, द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं तो जीवन संदेश कविता, शीर्षक कविता के कवि कौन है? जीवन संदेश के जो शीर्षक कविता है वो है राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। लिंग पर आधारित निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सही है? तो पूजा हो रही है, पूजा हो रही है, पूजा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 19 में है पुरुष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? स्त्री। पुरुष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? स्त्री। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से रंग जमाना, रंग जमाना का मुहावरा करता होता है धाक जमाना, रंग जमाना तो धाक जमाना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया कौन सी रचना है? तो मंगर, मंगर राम वृक्ष बेनीपुरी, पंच परमेश्वर प्रेमचंद, गौरा महादेवी वर्मा, ठिठुरता व गणतंत्र जो है वो हरिशंकर प्रसाई जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट, नीति शब्द का विशेषण क्या है? नैतिक। नीति का शब्द का विशेषण क्या है? नैतिक। 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में अगर चलते हैं तो कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये आपका निबंध हो गया। कौन सा है? निबंध। नंबर 24, किताब शब्द का सही विशेषण क्या होता है? किताब शब्द का सही विशेषण किताबी होता है, जिसे बोलते हैं किताबी कीड़ा। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 25, क्वेश्चन नंबर 25 में लेखिका का कथनानुसार निम्न में से गोपालक देश कौन सा है? तो भारत जो है एक गोपालक देश है, गौ पालने वाला देश है। 26, आकाश शब्द का सही विशेषण रूप क्या है? आकाशीय। आकाश का विशेषण क्या होते हैं? आकाशीय। पंच परमेश्वर जो है साहित्य की कौन सी विद्या है? तो पंच परमेश्वर जो है आपका ये कहानी है, पंच परमेश्वर कहानी है। ओके, 28 में हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो हिमालय का सही संधि विच्छेद जो है वो हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय है।
क्वेश्चन नंबर 29 हिमालय का संदेश, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कविता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, तो प्रकृति के सुकुमार कभी किसे कहते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कभी कहते हैं। ओके थैंक यू। आप अभी जो है अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश का यूट्यूब चैनल देख रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके लिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश को सब्सक्राइब करते। ओके थैंक यू।